मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के माजरी ग्रांज में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का शुभारंभ कर क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। साथ ही 92 और गांवों को ऑनलाइन योजना के माध्यम से जोड़ा गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एकीकृत आदर्श ग्राम योजना को एक ऐसी संकल्पना बताया जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि वो कृषि के विकास के लिए वैज्ञानिक तरीकों और मशीनीकरण को अपनाएं ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। उत्तराखंड राज्य में 85% जो किसान लघु और सीमांत किसान, ऐसे में ये योजना किसानों के लिए निश्चित रूप से लाभकारी होगी। और धीरे धीरे आज राज्य में 95 गांवों को इसके अंदर कवर किया गया है, धीरे धीरे इस योजना का और विस्तार किया जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित नाबार्ड के चेयरमैन जीएल चिनलता ने बताया कि उत्तराखंड में माजरी ग्रांड ग्राम सभा को नाबार्ड ने आईएमए विलेज घोषित कर योजना की शुरुआत की है, जिससे गांव का विकास और तेज होगा। साथ ही एकीकृत खेती का प्रचलन बढ़ेगा और किसान अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। एक बहुत बड़ा एक एक्सपेरिमेंट है, इसका वजह से पूरा देश में और पूरा राज्य में जितना भी गवर्नमेंट सरकारी स्कीम्स होता है, अगर वो सरकारी स्कीम सबको अगर एक विलेज में इम्प्लीमेंट एक इंटीग्रेटेड विलेज कर दिया तो उसका फायदा कैसा होता है करके देखने का ये पूरा प्रयास है। माजरी ग्रांड गांव को नाबार्ड द्वारा विकास योजना के लिए चयनित किए जाने पर वहां के ग्राम प्रधान अनिल पाल ने खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया। आईएमए विलेज का जो चयन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और यहीं से हमारे गांव से और भी गांव की जो आईएमए चयनित ग्राम पंचायतें हैं उत्तराखंड राज्य की, हर ब्लॉक में एक पंचायत आईएमए विलेज में चयन किया गया है, हर एक पंचायत का, और इसमें जो है यहां से शिलान्यास किया गया ऑनलाइन उसी होंगे। इसमें छोटे छोटे किसानों को सामूहिक खेती